गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, उसी से लगा हुआ एक टॉपिक है जिसको आप बोलते हो डिस्काउंट। डिस्काउंट एक्चुअली क्या है? डिस्काउंट आज एक स्ट्रेटजी है ट्रेड करने का, व्यापार करने का एक स्ट्रेटजी है, या ये कह सकते हैं अपनी तरफ एल्यूड करने का तरीका है, आकर्षित करने का तरीका है ग्राहकों को। ग्राहकों को आकर्षित कैसे करता है एक दुकानदार और किस प्रकार से मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करता है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट की। बच्चों सबसे पहले बात करेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, और डिस्काउंट के बारे में जब आप बात करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी जो अभी तक नहीं हुई होंगी, बहुत उम्मीद है आपसे। देखिए डिस्काउंट क्या है, एक्चुअली डिस्काउंट एक प्रकार से रिलैक्सेशन ऑन मनी है जो MRP होता है, मतलब छूट प्रतिशत। यदि हम बात करें तो छूट अंकित मूल्य पर क्या छूट है, और इंटू यदि 100 कर दिया जाए, अंकित मूल्य में छूट इंटू 100 कर दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट परसेंटेज। मतलब डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा देने वाला जो डिस्काउंट है वो MRP से कैलकुलेट होगा, ना कि सेलिंग प्राइस से। लोग गड़बड़ कर लेते हैं, तो डिस्काउंट हमेशा MRP से कैलकुलेट होगा, पहली बात। दूसरी बात, छूट कितने प्रकार का होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कितने प्रकार का छूट होता है या डिस्काउंट कितने टाइप का होता है। बच्चों डिस्काउंट की यदि हम बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल डिस्काउंट, गए आप वहाँ फिक्स लिखा हुआ है एकल बट्टा। फिर आपसे पूछा जाता है समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, या मल्टीपल डिस्काउंट, या सक्सेसिव डिस्काउंट, जो भी आप बोल सकते हैं आपके लिए वो वर्ड यूज होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना, क्रमागत। तो एक के बाद एक, या एक डिस्काउंट देंगे तो सिंगल डिस्काउंट बोलेंगे, और जब एक से अधिक डिस्काउंट देंगे तो बोलेंगे क्रमागत छूट। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि कैसे सर सिंगल निकालते हैं और कैसे सक्सेसिव निकालते हैं। सिंगल निकालना तो बहुत आसान था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का MRP आपको दिया जाए, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि कोई चीज़ हमने मान रखी है या MRP दी गई है कि MP इज दिस, तो पहला डिस्काउंट देंगे तो 100 माइनस D1 अपॉन 100, दूसरा डिस्काउंट देंगे 100 माइनस D2, मतलब सिंगल डिस्काउंट होगा तो यहाँ तक लिखेंगे और सक्सेसिव डिस्काउंट होगा तो आगे तक लिखेंगे, इस प्रकार से हमारा सेलिंग प्राइस आता है। पर बच्चों ये जब थीम आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना है तो आपको आने लगेगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के बाद समझ आती है, तो हो सकता है आपको ये सब चीज़ें अभी थोड़ी सी अजीब लग रही हों, बट जैसे जैसे आप इनसे रूबरू होते जाएंगे तो आपके दिमाग में इसकी थीम क्लियर हो जाएगी, और जब थीम क्लियर होती है तभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए नोट कर लिया होगा, पूरी उम्मीद है अपने पूरे फार्मूले देख लिए होंगे कि छूट क्या है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि छूट प्रतिशत, व्हाट इज डिस्काउंट परसेंटेज। छूट जब किसी वस्तु पर मिलने वाला रिलैक्सेशन, किस पर, MRP पर, जो उस पर अंकित है, छपा हुआ मूल्य है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100। छूट दो तरह का होता है, एक सिंगल डिस्काउंट, दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट। यदि आप बात करते हो कि विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, भाई MRP पर जब आप डिस्काउंट देते हो तो जो अमाउंट बनता है वो विक्रय करने के लिए तो बना, तो एक बार दिया तो 100 माइनस D1 अपॉन 100 यही खत्म हो जाएगा। बट यदि सक्सेसिव डिस्काउंट है तो 100 माइनस D2 अपॉन 100, 100 माइनस D3 अपॉन 100, ठीक है ना। तो इतना हम देख लिया, और इसको मैं उम्मीद है कि आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि 15% और 10% की एक छूट के बराबर है। सर देखो ना, किस एक छूट के बराबर, मतलब आप सिंगल डिस्काउंट बनाना चाहते हो कंसेक्यूटिव से। इसके लिए दो हैं, एक नया फॉर्मूला बता रहा हूँ कि D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100, तो इसे सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट हो जाएगा कि व्हाट इज डी नेट, नेट डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट नेट क्या होगा, एक डिस्काउंट क्या होगा। आप सीधा बोलोगे सर 15 प्लस 10 25 माइनस 15 दाम 150 बटे 100 कितना आएगा, 25 में 150 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 23.5 23% आपका नेट डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये याद रखना है 15% और 10% किस एक छूट के बराबर है। आंसर होगा 15 प्लस 10 25, 150 बटे 100 और
23.5%। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं यार, वो होती रहेंगी। दो क्रमिक बट्टे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 25, 10, 35 और 2.5 माइनस होगा 35 में, 2.5 माइनस होगा 32.5 विल बी आंसर। D1 + D2 - D1 D2/100। तो ये बस छोटा सा क्वेश्चन है और आराम से लोग निकाल लेते हैं, तो आपसे भी उम्मीद है आपसे भी निकल आएगा। अगला है, देखिए हमने आपसे बोला था कि जब एक से ज़्यादा होगा तब क्या करोगे। लोगों का तरीका होता है, सर मैं तो ऐसे कर लूँगा, 20, 10, 30, 30 में दोगे 28, फिर 28 और 25 से कर लूँगा। 28 और 25 कितना होगा, 28, 25 हो जाएगा 53, और इसका हो जाएगा 25% 1/4, मतलब 7, 53 में 7 जाएगा, सर 46 मेरा आंसर। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जो जल्दी से निकाल लेते हैं। अब इन्होंने क्या करा, पहले इसका यूज़ करा, अब इन दोनों के आपस में सॉल्व कर लिया, फिर ये निकल दी। बट यदि आप एग्ज़ाम में करने जाते हो, आपको नहीं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। आपके लिए बहुत सिंपल सा है कि आपने मान लिया 100 रुपये की चीज़ है, 90, 10% का डिस्काउंट देगा तो 90 ही तो बोलोगे, 20% का डिस्काउंट देगा तो बोलोगे ना 80, 25% का डिस्काउंट बोलेगा तो बोलोगे ना 75। और इससे भी बढ़िया था यदि वो ये बोलता कि सर 10% का डिस्काउंट मतलब 1/10, 10 में 1 की छूट दिया 9/10, और 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 छूट दिया तो 4/5 इंटू 25 या 75, 25 + 100, 25% 1/4 होता, 4/5 की छूट मिल गई है। तो सर ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होता है, इट्स वेरी इजी, वेरी कूल। 5 × 50, 50 × 200, 9 × 18, 18 × 54, 100 रुपये की चीज़ को आपने 54 की सेल करी है, कितना डिस्काउंट मिला, 100 से 54 माइनस कर दिया, 46 का डिस्काउंट मिला। तो दिस इज़ कॉल्ड द चैन रूल, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कि समतुल्य बट्टा निकालने का एक और तरीका होता है, दैट इज चैन रूल। सिंगल डिस्काउंट के लिए आप D1 + D2 - D1 D2/100, दो के लिए, दो से ज़्यादा के लिए डिस्काउंट पे आप अकेला बट्टा निकालना है तो आप चैन रूल लगाएं आराम से। परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करके लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। 10% क्या होता है, 1/10, 10 में 1 डिस्काउंट दे दिया 9। 20% क्या होता है, 1/5, 5 में 1 डिस्काउंट चला गया 4/5। 25% क्या होता है, 1/4, 4, 4 में 1 डिस्काउंट चला गया 3। इस प्रकार से मैं पाता हूँ कि 54, 100 की चीज़ 54 में बेच दी, हाउ मेनी परसेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट इज 46%। अगला क्वेश्चन आता है, 10%, 20% और 40% के डिस्काउंट क्रमागत बट्टे हैं, किस एकल बट्टे के बराबर होगा, किस अकेले बट्टे के बराबर होगा। तो आप बड़े प्यार से ये बात कहने लगेंगे कि कोई चीज़ यार 100 की थी और 10 का डिस्काउंट, भाई 10% का मतलब फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, 9/10, 40% का मतलब 2/5, 3/5, 5 में 2 की छूट होगी, 40%, ओ सॉरी 20% भी था तो 4/5। तो इस तरह से हम पाते हैं कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और या 0 से 0 कैंसिल नहीं करते हैं, 25 × 100 कर देंगे, 4 × 16, 16 × 3 = 48, 48 × 9 कर देंगे, 9 × 8 = 72, 9 × 36 और 7 = 43। खुद सोचने वाली बात है, 100 की चीज़ आपने 43.2 की बेच दी, आपको कितना छूट मिला, आपने छूट लिया है 56.8 का। तो डिस्काउंट निकालना, यदि आप इसको इतने पे सेल कर रहे हैं तो 100 की चीज़ को यदि आपने 43.2 की सेल की तो आपको कितना डिस्काउंट मिला है, आपको 56.8 डिस्काउंट मिला है। नहीं, वो क्यों देगा आपको बिना डिस्काउंट के। बड़ा अच्छा क्वेश्चन मन के आता है कि बताइए निम्न में से ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा अच्छा होगा। थोड़ी सी यार अकल दौड़ा लेते तो आपको समझ में आने लगता है कि जिनका नेट बट्टा अच्छा होगा उनका। मैं तो इसको देख के बता सकता हूँ, चूँकि इनका सबका सम 50 हो रहा है या 40 हो रहा है, इनका सबका सम 40 हो रहा है। जब सम सेम हो तो जिसके डिफरेंस का अंतर ज़्यादा होगा वही ज़्यादा माइनस होंगे। जैसे यहाँ पर 25 और 15 इनका अंतर कितने का है, 10 का है। सबसे कम डिफरेंस कहाँ पर है, यहीं पर है। तो 25 × 15 सबसे खतरनाक। देखिए आप पहले बात समझ लीजिए, 25 + 15 ये भी 40 होगा, माइनस 25 × 15, 15 × 75 और 15 × 2 = 30, 7 × 37 3.75। इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल कर के आएगा 36.25। दूसरा 30 और 10, सर 40 ही होगा, 30 दाहम 100, 300/3
कितने परसेंट डिस्काउंट? 37%, 35, 5, 40 होगा और 5, 25, 5, 15 और 2, 17 1.75 डिफरेंस कितना आएगा? दैट इज 38.25। अब आपसे पूछा जा रहा ग्राहकों लोग कि कौन सा बट्टा अच्छा है, अब भी तुरंत आंसर कर दोगे थर्ड ऑफर इज बेटर। व्हाई? बिकॉज देखिए एक नॉर्मल बच्चा क्या आंसर करता है, सबको जोड़ लेता है, उसको समझ में आता सर 40 है, वो दे देता एनी वन, ऑल आर इक्वल गुड। मतलब यार खुद थोड़ी सी अक्ल लगाओ, मैंने ये बोला है जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा वही डिस्काउंट अच्छा होगा, यदि सम बराबर है। यहाँ सम सबका बराबर है कि नहीं? 25 + 15 = 40 हुआ नहीं? आपको पहले निकालना सीखे पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट और तीसरा डिस्काउंट, D1 + D2 - D1 D2 upon 100। यही तो बताया था, अभी फिर से देख लीजिए कि व्हाट इज डी नेट। डी नेट इज नथिंग, D1 + D2 - D1 D2 upon 100। यही तो बेटे अभी बताया था। इस बात को मैं कह रहा हूँ ओरल आप कैसे कर सकते हैं, इस पर बड़ा फोकस होना चाहिए। यदि आप चीज़ों को ओरल करने लगेंगे तो आपका देखिए, क्योंकि D1 D2 जो प्रोडक्ट इनटू हो रहा है वो माइनस हो रहा है, जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा उसका डिस्काउंट कम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट किसका ज़्यादा आएगा? जिसका डिफरेंस कम होगा। प्रोडक्ट कम किसका आएगा? जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा। यहाँ 35 और 5 डिफरेंस 30 का है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 1.75 आ रहा है, कम आ रहा है, और इसी वजह से मैं ये बात बार कह रहा हूँ कि जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका डिस्काउंट ग्राहक के लिए अच्छा होगा। पर उनका सबका सम देखने वाली बात होगी कि सम सेम है या नहीं, ठीक है ना। अभी फार्मूला ही लिखा था कि दो क्रमिक छूट P और Q हो तो व्हाट इज नेट डिस्काउंट, तो P + Q - PQ / 100 दैट इज C। अगला बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना है तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 5,000 रुपये की चीज़ है इनटू दुकानदार ने इस पर X% Y% और Z% की क्रमिक छूट दी है। तो हमने आपको ये सिखाया है चैन रूल कैसे लगाना है, तो सिंपल सा चैन रूल लगना था 100 - X × 100, 100 - Y / 100 और 100 - Z / 100। अब यहाँ पर देखते हो कि 20 से 20 कैंसिल हो गया और 50 × 100 हो गया, तो नीचे 200 आएगा, तो 200 सब में दिया हुआ है और सभी 100 - X, 100 - Y, 100 - Z आंसर इज सी। तो बेसिक फंडामेंटल है, पहला वाला फार्मूले पर था, दूसरा वाला चैन रूल पे था, तो आराम से आपने देखना है, आराम से समझ आएगा। अब जैसे क्वेश्चन ये है, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला था कि यदि आप दो को कैलकुलेट कर लें, 20 और 10 कितना? 30, 30 में दो गए 28, 28 और 15 इट्स नॉट ए बिग डील, 28 15 कितना हो जाएगा? 43, 28 और 15 43 और 15 × 8 = 120 और 15 × 8 = 120 जीरो से लगा 12 और 15 × 2 = 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा? 30 × 12 हो जाएगा 42, तो 4.2 माइनस हो जाएगा, तो 38.8 दैट विल बी योर आंसर। तो ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आपके लिए टफ है। आप सिंपल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? आप पहले दो को सॉल्व कर लीजिए, 20 + 10 = 30, 30 - 200 / 100, तो 30 - 2 हो जाएगा 28, 28 और 15 से निकालेंगे तो 43 और 28 × 15 / 100, तो ये आखिर के 38.8। पर जिसने कहा नहीं सर आप दूसरा वाला बता रहे थे वो बेटर है, तो आप लिख लीजिए। देखिए 100 आपसे कहा 20%, 20% का मतलब 1/5, 5 में एक डिस्काउंट गया 4/5। दूसरा आपने कहा 15% डिस्काउंट, 15% 3/20, 15% 3/20 और 20 में 3 डिस्काउंट दे देंगे तो 17/20 इंटू करेंगे 10%, मतलब क्या है 1/10, 10 में एक छूट चला गया कितना आएगा 9, 20 × 5 कितना हो जाएगा 100, 17 × 4 = 68, 9 × 8 = 72, 9 × 6 = 54, 54 × 7 = 61, 61.2 इतना आपको बिकेगा। 100 का माल 61.2 का बिक रहा है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए 100 में से घटा देंगे कितना आएगा 38.8%। तो बहुत आसान हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक को 1104 रुपये में खरीदने के लिए
इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है? आप खुद थोड़ा सा सोचो, कह रहा अंकित मूल्य 1500 रुपये है, 20% छूट दे दी और 1104 रुपये में बेच दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 1104 इसका सेलिंग प्राइस है, 1500 रुपये इस पर लागत लगी है, पहला डिस्काउंट 20% मतलब है 5/1 की छूट 4/5, तो दूसरा डिस्काउंट आपको पता करना है। हम तो यहीं से कहते हैं सबसे कि यदि आप में थोड़ी सी अकल है तो अकल का इस्तेमाल करो, 4 × 3 = 12, और मुझे यहाँ तक ये दिख रहा है कि 12 से कट रहा है, 12 × 9 = 108, 12 × 2 = 24। खुद सोचने वाली बात है कि यदि यहाँ पर देखिए 100 है और यहाँ पर 92 है, तो ये कह सकते हो कि 100 की चीज़ 92 की बेच रहा है तो कितने की छूट होगी? 8% की। और नहीं तो यहाँ पर पूरा लिखिए, 100 - D2/100, दूसरा छूट यही तो होगा, और ये चला जाएगा तो हो जाएगा 9200। फिर वही बात है ना, 20 से 20 ये कैंसिल हो गया सर, 100 - D2 = 92, और D2 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 - 92 = 8%, ये बनेगा। बात तो बात वही है घूम फिर के, पर सोच का अंतर होता है कि आप कैसे चैन रूल लगाते हैं। देखिए चैन रूल मैंने भी लगाया था अभी पहले, पर मैंने यहीं आपको बता दिया था कि 8% क्यों, क्योंकि यहाँ 100 बच रहा था, यहाँ 92 था, इसका मतलब रिजल्ट क्या है, 100 में कितना डिस्काउंट दे दें कि 92 हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है 8 का डिस्काउंट देंगे तो 92 आएगा। नहीं वैसे यदि आप नहीं लगा पाते हैं तो आप सिंपल सा 100 - D1/100, 100 - D2/100 वही लगाइए, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देना, फिर से समझ लीजिए, 1104 रुपये का बेचा है, 1500 रुपये की चीज़ है, पहला डिस्काउंट 100 - D1 80/100, दूसरा डिस्काउंट 100 - D2 वही निकालना है आपको, और 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 × 80 और 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 से काटा, 12 × 9 = 108, 12 × 2 = 24। 100 की चीज D2 = 100 - 92 एंड दैट आंसर इज 8%। तो बड़ा आराम से लोग निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है एज ए पिक्चर की आपको बड़ी तकलीफ हो रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। एक और ट्राई करते हैं तो आपको समझ और अच्छा आएगा। कह रहा है 11400 रुपये में बेचा जाता है, चीज़ थी 16000 रुपये की, पहला डिस्काउंट आपको दिया 5%, 5% कितना होता है 1/20, 20 में 1 की छूट दिया कितना हो जाएगा 19/20, 100 - D2/100। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देके करते तो ये कहते हैं कि 20 से काटेंगे और 20 से जब काटेंगे तो 20 × 8 = 160, 800, 20 से 20 काट लेंगे और 19 से कट करेंगे, 19 × 6 = 114, और यदि इसको काटें तो 4 × 2 = 8, 25 × 6 = 100, और फिर काटा तो 2 × 3 = 6, खुद सोचने वाली बात है 75, 75 का मतलब कितना डिस्काउंट 25 का, पर फिर भी यदि पूरा सॉल्व करेंगे तो D2 = 100 - 75 एंड दैट विल बी 25%। तो जो बात समझनी थी कि कैसे आप चैन रूल अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, कैसे आप इसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं, अगला देखते हैं तो और समझ में आएगा। कह रहा सर 1600 रुपये अंकित मूल्य है और उस पर पहला छूट 10% का है, मतलब 90/100, दूसरा छूट x का है तो 100 - x / 100। कह रहा है x की वैल्यू बतानी है आपने, यदि वो 1224 रुपये में खरीद लेता है। सर थोड़ी सी अकल लगाएंगे, 20 से 20 कट जाएगा, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, 16 से कट करेंगे, 16 × 7 = 112, या 9 से पहले कट कर लेते हैं, 4 × 2 = 6 × 2 = 8 = 1 हो रहा है, क्योंकि 9 × 1 = 9, 3 बचा, 9 × 3 = 27, 9 × 6 = 54, ठीक है ना। और इसको आराम से आप सॉल्व करेंगे तो आपको कट कुट करके आंसर क्या आ जाएगा। खुद थोड़ा सा सोचने वाले थे कि 1600 पे 10% डिस्काउंट देगा तो 160 रुपये का डिस्काउंट दे देगा, तो कितने का बेचेगा, 1440 रुपये का। 1440 रुपये वाली चीज़
1224 रुपए में खरीद लेता है कोई तो कितना डिस्काउंट मिला, तो 1440 पे। देखिए ये भी अकल वाली बात है कि 10 में 4 गया 6, 3 में 2 गया 1 और 216 रुपए का डिस्काउंट मिलता है इंटू 100। अब ये 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 और 9 चौको 36, 160, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24 और 2 पंचे 10, क्या आया बेटे 15%। तो यहाँ पर भी पूरी सॉल्विंग के बाद ओवरऑल आंसर क्या आना है 15%। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे यहाँ से निकालें या वहाँ से निकालें, किसी भी तरह से निकालें तो दैट आंसर विल बी योर। और यही सब चीज़ें हैं जो आपको एक समय के बाद आने लगेंगी, बस पूरा वीडियो देखिए अच्छे से और अच्छे से चीज़ों को समझिए। मैं एक बार इसको चूँकि मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था फिर से डिक्टेट कर देता हूँ, 1600 रुपये और 1224। मैं इसको ओरल बताने की कोशिश करूँगा और आप भी उम्मीद करिए और आपसे भी होने लगेगा। 1600 पे 10% डिस्काउंट देंगे तो 160 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे तो ओवरऑल 1440 रुपये का होगा। 1224 रुपये में कोई ख़रीद रहा है इसका मतलब 216 रुपये का फिर डिस्काउंट मिलता है 1440 इंटू 100, यही तो फंसेगा और यही तो डिस्काउंट अगला वाला है, यही तो एक्स परसेंट है। तो यहाँ से ये कट करके आपका आ जाएगा आंसर कितना 1500। तो पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आज हमने डिस्काउंट में बात करा है कि एकल डिस्काउंट कैसे अप्लाई करते हैं, D net बराबर D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100 और चैन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। पूरा वीडियो अच्छे से देखा करें। इसकी PDF आपको कहाँ मिलती है आपको पता है, एक टेलीग्राम चैनल है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नीचे जा करके आराम से पूरा देखा करें, अच्छे से पढ़िए, प्रॉब्लम होती है ज़रूर डिस्कस करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।